नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनिश में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बिगिनर के लिए है। जिनको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी लेके जाइएगा। आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। सबसे पहला वर्ड आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, पोस्टिंग क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहला वर्ड है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब दोस्तों होता है जब हम किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखते हैं, या वो आर्टिकल है या फिर वो नोट्स है। उस आर्टिकल और उस नोट्स को हम जिस जगह पर लिखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, वो ब्लॉग कहलाता है, वो हमारा ब्लॉग होता है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल का नाम है ब्लॉगिंग विद अनिश। तो मेरा यूट्यूब का जो ब्लॉग हुआ, ये ब्लॉगिंग विद अनिश चैनल हुआ। मैं यहीं पे वीडियो बनाता हूँ। अगर यहाँ पे लिखने वाला कोई ऑप्शन होता तो मैं यहाँ लिखता, तो ब्लॉगिंग विद अनिश में ही लिखता। तो ब्लॉग आप समझ गए। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि ब्लॉग हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो इंडिया में दो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर है ब्लॉग लिखने के लिए। सबसे पहला है ब्लॉगर और दूसरा है वर्डप्रेस। ब्लॉगर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज होता है इन टर्म्स ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि ब्लॉगर जो है फ्री है। फ्री में ब्लॉगर में बहुत सारे ऐसे आपको फीचर्स मिलते हैं जो कि वर्डप्रेस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपको वर्डप्रेस यूज करने के लिए ही आपको पे करना होगा। पहले आप पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आप यूज कर पाते हैं। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा नहीं है। ब्लॉगर में आप ब्लॉग बनाएंगे, वेबसाइट डेवलप करेंगे, पोस्ट लिखेंगे और उसको आप गूगल पे भी रैंक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री मुफ्त। तो ये बात आप समझ गए ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। वो दो प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं आगे वाला जो मेरा सवाल है, वो है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, आप वर्ड सुने होंगे होस्टिंगर। होस्टिंग क्या होता है, गोडैडी भी होस्टिंग का बहुत एडवर्टाइजमेंट करता है। तो होस्टिंग क्या होता है, आसान भाषा में समझिए कि हम किसी दुकान को खोलना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए हमें मकान चाहिए होता है। उस मकान को हम जब लेते हैं, उसके बाद ही उस मकान में हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं और वहाँ हमारे कस्टमर आते हैं। यहाँ ब्लॉगिंग की दुनिया में हमारे कस्टमर्स कौन है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे रीडर्स है, जो हमारे ब्लॉग को पढ़ते हैं, वो हमारे कस्टमर है। तो वो कस्टमर के पास हमारा ब्लॉग पहुंचता है और कस्टमर जहाँ आते हैं ब्लॉग पढ़ने के लिए, उस जगह को होस्टिंग कहा जाता है। और आपको वर्डप्रेस भी होस्टिंग देता है, ब्लॉगर भी होस्टिंग देता है, गोडैडी भी होस्टिंग देता है, होस्टिंगर भी आपको होस्टिंग देता है। लेकिन गूगल जो है ब्लॉगर को होस्टिंग देता है तो फ्री में होस्टिंग देता है। तो ब्लॉगर में आपको होस्टिंग भी फ्री मिलता है। उसके बाद अगला सवाल है कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। आप बहुत जगह से देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट में, अगर होस्टिंगर आप जाइएगा, होस्टिंगर की वेबसाइट पर जब आप पैकेज लीजिएगा तो वहां आपको बेनिफिट में दिखाएगा SSL सर्टिफिकेट फ्री। तो SSL सर्टिफिकेट ये होता है, आप कोई भी वेबसाइट खोलिएगा, वेबसाइट खोलने के बाद आपको URL के बगल में एक लॉक ताला दिखता होगा। वो लॉक ताला दिख रहा है, इसका मतलब कि वो वेबसाइट सिक्योर है। वहाँ पे अगर कोई पेमेंट करता है तो पेमेंट उसकी सिक्योर रहेगी, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल सिक्योर रहेगी, उसकी पर्सनल डेटा सिक्योर रहेगी। वहाँ उस कस्टमर, उस व्यूअर को कोई रिस्क नहीं है। तो जिस वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट होता है, उसको एडसेंस अप्रूवल मिलना बहुत आसान होता है। विदाउट SSL सर्टिफिकेट मिले आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। इवन आपका पोस्ट जो है गूगल पर रैंक भी नहीं करेगा। तो आपका SSL क्लियर हुआ, आपका होस्टिंग क्लियर हुआ, आपका ब्लॉग क्लियर हुआ, ब्लॉगर क्लियर हो गया, वर्डप्रेस क्लियर हो गया। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। आप लोग दोस्तों जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सब मेरे परिवार की तरह है। तो आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप प्लीज मुझे कॉल करें, मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो मुझसे काफ़ी दिनों से टच में हैं और वो अपने ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस से रिलेटेड सवालों को पूछते हैं और मैं उनका मदद करता हूँ। मैं छोटा सा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इतने आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ, इतने आसान भाषा में, इतने सरल तरीके से कोई भी यूट्यूबर आजकल YouTube पे नहीं समझाता है।
आते ही बकवास शुरू करता है आधा घंटा, उसके बाद टॉपिक पे आता है, टॉपिक वो भी आधा घंटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।